हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीतिस फ्लेवर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मियोनीज मैक्रोनी। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, मोस्टली बच्चों को बहुत पसंद आती है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 बॉल मैक्रोनी। जिस बॉल से हमने मैक्रोनी ली थी उसी बॉल से हमने 3 बॉल पानी लिया है। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। आप देख सकते हैं हमारा पानी गर्म हो गया। इसी कंडीशन में हमें मैक्रोनी डाल देंगे। हम मैक्रोनी को 10 मिनट तक बॉईल कर लेंगे या फिर तब तक बॉईल करेंगे जब तक हमारी मैक्रोनी सॉफ्ट ना हो जाए। हमें इसको एक बार चला देना है। हमारी मैक्रोनी उबल चुकी है। इस तरह से नाइफ से कट करके देखेंगे। देखिए कट हो गई है, यानी कि अच्छे से बॉयल हो चुकी है। अब इसको छान लेंगे। हमने यहाँ पे एक पैन लिया है। इस पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। प्याज को हल्का सा सॉटे करेंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी गाजर। शिमला मिर्च इन सबको हमें अच्छे से सॉटे कर लेना है। ज़्यादा नहीं करना है, इतना करना है कि सब्जियां हमारी अच्छे से क्रंची हो जाएं। इसमें मैंने हाफ प्याज ली थी जिसको चॉप कर लिया था, हाफ शिमला मिर्च और हाफ कैरेट, इन सब सब्जियों को मैंने चॉप कर लिया था। अब हम इनको हल्का सा क्रंची होने तक फ्राई कर लेंगे। कोई भी फास्ट फूड हो ना, उसमें हमेशा क्रंची बैजी अच्छी लगती हैं। आप देख सकते हैं हमारी जो सब्जियां हैं ना, अच्छे से क्रंची हो गई हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी हल्का सा मिक्स कर देना है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो, सॉल्ट। ध्यान रहे सॉल्ट हमें कम ही डालना है, हम पहले भी सॉल्ट का यूज कर चुके हैं। जब हमने मैक्रोनी बॉईल की थी ना, तब भी हमने सॉल्ट डाला था इसमें। और अब हमें मेयोनीज डालनी है, तो मेयोनीज में भी सॉल्ट होता है। इस सॉल्ट को हमें कम ऐड करना है। 2 स्पून मेयोनीज डाली है। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। आप चाहे तो मेयोनीज को 3 स्पून भी कर सकते हैं अगर आपको कम लग रहा है। आप देख सकते हैं हमारी क्रीमी एंड डिलीशियस मेयोनीज मैक्रोनी बनके तैयार है। इतनी ही यम्मी लग रही है देखने में, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। मेयोनीज मैक्रोनी बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। घर पे बनाइए और एंजॉय कीजिए मेयोनीज मैक्रोनी। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आपके कमेंट से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।